मेरे पास अभी एक लास्टिक ग्लू वॉल बचा हुआ है और बंदा वो रहा। मैं अभी सामने गया हूँ मारने का। मैंने शील्ड ऑन की और उसने ग्लू वॉल लगा लिया है। और जल्दी से मैं थोड़ी EP HP बढ़ा देता हूँ, फायर कर लिया तो भाई इसका ग्लू वॉल। अरे यार बहुत सही प्रो बंदा है यार, कितने जल्दी फास्ट ग्लू वॉल मार रहा है। तो भाई ये लगाइए ये हेड। ओ भाई साहब बुया हो चुका है हमारा। ओ भाई हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। ये है हमारी फ्री फायर की फर्स्ट वीडियो। जैसे कि मैंने एक शॉट डाला हुआ है, पर ये हमारी फर्स्ट वीडियो है गेम प्ले की। जो और आपको शॉट्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। और फिलहाल तो मेरे पास बहुत सारे कैरेक्टर हैं, आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन से कैरेक्टर यूज़ किया जाए अगले वीडियो में। फिलहाल तो मैं क्रोनो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है और जिससे हमें शील्ड भी मिलती है प्रोटेक्शन के लिए। तो आप बता देना यार कमेंट में कौन सा कैरेक्टर यूज़ करना है। आप देख सकते हो बहुत सारे कैरेक्टर्स है, ज़्यादा नहीं है पर ठीक ठाक तो है यार। तो ये इमोट है मेरे पास, चार इमोट है। तो मैं जल्दी से मैच स्टार्ट कर देता हूँ यार बिना किसी देरी के। तो मैच स्टार्ट कर दी है मैंने। तो सोलो खेलने वाले हैं, आप बताइए। अगली बार स्क्वाड में खेलना है तो स्क्वाड भी खेलेंगे यार, बताइए आप। तो यहाँ पे हम लॉबी टाइप आ चुके हैं, लॉबी है लगता, क्या कहते हैं पता नहीं यार। तो यार आप देख सकते हो बोर्ड पे हमारा नाम है लास्ट में, वो सबका रहता है लास्ट में। हमारे 51 से हाईएस्ट 129 है। ये बंदी मार रही है हमें, चलो अट्रैक्शन करना है, शील्ड ऑन कर लेते। आप देखिए सब भाग के आएंगे शील्ड के पास। देखो भाई सब आ गए थे और वाइप फायर करने लग गए थे। तो ये रहती क्रोनो की पावर भाई साहब। तो यार मैच भी स्टार्ट हो रही है, 3 2 1। तो दोस्तों अभी मैं सोच रहा हूँ कि भीमा शक्ति पे उतरा जाए। मैं हमेशा क्लॉक टावर और भीमा शक्ति पे उतरता हूँ, भीमा शक्ति स्ट्रिप पे उसके पास। तो अभी तो मैं भीमा शक्ति के पास ही उतरने वाला हूँ। तो आप बताना यार अगले वीडियो में कहाँ पे उतरा जाए। तो यार जल्दी से चलते हैं। और मैं पहले बता देता हूँ, बहुत प्रो नहीं खेलता, ठीक ठाक खेल लेता हूँ, पर तभी भी बुया करने का ये करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। तो भैया मेरे कपड़े और वो देख के तो प्रो ही लगता हूँ, हूँ मैं प्रो वैसे, बॉट भी नहीं हूँ यार, नूब नहीं हूँ, इतना प्रो हूँ मैं। हो जाता है बुया आसानी से। तो यार मैं जल्दी से वो घर पे लैंड कर लेता हूँ और गन ले लेता हूँ यार। अगली बार से अगली मैच में हम चैलेंज भी करेंगे बहुत सारे फ्री फायर्स के। तो उतर जाते इस घर के ऊपर, तो मुझे शॉटगन दिख रही है, शॉटगन इक्विप कर लेता हूँ मैं जल्दी से। तो भाई साहब ये क्या है, ये गैस ये लगती है, गैस बॉम्ब रहता है ना जो फेंकने से गैस ही हो जाती है। तो ये कॉइंस भी कलेक्ट कर लेता हूँ और स्कार भी मिल चुकी है, स्कार गन। तो भाई साहब गन भी मिल चुकी है, बनता तो नहीं दिख रहा है मुझे। तो चलो लूट ले लेते हैं, बहुत सारे घरों में लूट है अभी यहाँ पे। वो दिख रहा है बंदा, दिख गया मुझे भाई साहब। अरे यार मैंने उगची गोली मार दी पूरे के भाई, दो दो बंदे मिलते हैं यार। हाँ मैं प्रो नहीं हूँ, किल भी नहीं कर पा रहा वो भाई। भाई वो रहा, अंदर चले गए लगता दोनों। ये शॉटगन इक्विप कर लेता हूँ जल्दी से, मारने आएंगी सबको एक साथ। बेटे ओ बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह। भाई ये तो बॉट ही निकले भाई। अरे भाई सही किल निकला, एक हेडशॉट मिल गया भाई अपने को, सही है भाई। जल्दी से कॉइन्स और वो इक्विप कर लेता हूँ, गन्स भाई बहुत सारी थॉम। पीछे देखो पीछे, सनिक मेरी फेवरेट। ओ भाई अरे बंदा बंदा, ओ शेट मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगा। चलो मैंने मेडिकेट, ग्लू वॉल, बहुत सारे ग्लू वॉल मिल चुके हैं, कितने हमारे पास
ग्लू वॉल और कुछ है क्या लेने को? नहीं यार, ठीक ठाक है, शॉर्ट गन तो रहने देता हूँ भैया, जिससे हमें 3 किल मिल चुके लगता है, और भी बहुत सारे बंदे वो दिख गया। ओ भाई, इसको भाई और एक किल करना ही है। 3 किल हो चुके हमारे भाई साहब। मैं बोल रहा था आपको प्रो बंदा हो यार, कोई विश्वास नहीं कर रहा था। और अब आप दो दो बंदे मिल चुके हैं लगता है। नहीं डुओ तो हम खेल नहीं रहे, अलग अलग बंदे हो गए। ओ भाई और एक किल मिल चुका था। ओ भाई 5 किल मिल चुके हैं, 5 किल क्या छोटी बात नहीं है भाई, 5 किल भाई बहुत सही। तो ये थॉमसन मेरी फेवरेट गन है, अभी शॉर्ट गन की ज़रूरत नहीं है, रख लेता हूँ मैं, थॉमसन ले ली मैंने। और स्कार भी मेरी फेवरेट है थॉमसन की। अरे यार, हाँ ठीक है, मैंने गलती से दूसरी गन उठा ली थी AWM वाली, तो मैं ग्लू वॉल रख लेता हूँ। तो मुझे ये वो तो मैंने उसके एमओ कार की एमओ निकाल दी है, और अभी मेरे पास कार की एमओ बहुत कम है, कार की एमओ ही नहीं है मेरे पास। कार 98 की एमओ निकाल दी थी, ये इस कार की एमओ नहीं है मेरे पास। चलो ये बंदों के पास होगी। भाई साहब सच्ची बोल रहे हो, ग्लू वॉल बहुत सारे, 6 ग्लू वॉल आ गए भाई, मैं ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता हूँ। आप कमेंट में बताइए आप ग्लू वॉल यूज़ करते हो या नहीं, ज़्यादा फ्री फायर खेलते हो गए तभी भी। तो मैंने वो थॉमसन की एमओ निकाल कर स्कार की एमओ लिए, क्योंकि फ़िलहाल हम वो यूज़ कर रहे हैं, उसकी एमओ भी चाहिए ना यार, वो यूज़ कर रहे हैं, उसकी एमओ ना हो तो क्या ही गजब ही हो जाएगा। तो थोड़ी लूट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं जिससे हमारी धक्के में एचपी और ईपी बढ़ जाती है, लाल तो भागते भागते हो सकती है, सेकंड में बढ़ जाती है उससे 1-2 सेकंड में। तो ये P90 भी सही गन है यार, फेवरेट गन है, फेवरेट नहीं कह सकते पर एकदम ठीक ठाक गन है यार। तो यहाँ पर भी कोई बंदा तो नहीं दिख रहा है। एक अभी फिलहाल वो प्रो आए थे, वो 2-3 बंदे बॉट निकले यार, यार बंदा ही नहीं दिख रहा है। ओ भाई साहब वो बंदा है क्या? हाँ सर भाई बंदा है, बंदा है। ओ शेट यार वो अंदर चला गया, इसको मारना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो हम भी मर सकते हैं, और हमें बू या तो आज करके ही जाना है। यार वो छुप चुका है यार, जल्दी से दिख जाए ना तो जल्दी से हेड दे दूँ मैं सामने जाकर डायरेक्ट रिक्स नहीं लेने वाला, तो इसलिए यहाँ से ही देख रहा हूँ मैं। तो यार जाने दो यार, क्यों मतलब फिलहाल मरना। ओ भाई यहाँ पे भी एक बंदा है, भाई साहब यार वो भी उसके पास बंदा है कार, तो कुछ AWM टाइप गन है। तो भाई ये देख सकते हो आप कितने फास्ट ईपी और एचपी बढ़ जाती है इससे। तो फिलहाल ऊपर आया था मैं, ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा है, ईपी एचपी बढ़ा दिए मैंने। तो यार वो अभी हमने किल किया था उसका, मतलब ये लूट ले लेते जल्दी से। एमओ फिलहाल बहुत ही कम है, मतलब लोडेड 42 है और बची हुई 19 है। ओ शेट, 7 किल हो गए हमारे टोटल, तो शील्ड लगा दी मैंने भाई, प्रो बंदा है। एमओ मार लेता हूँ, अपना एचपी मार लेता हूँ जल्दी से, अंदर चले जाता तो भाई। और शेट यार प्रो बंदा है, सही में प्रो है, भयानक डैमेज गया था भाई, बच गया अभी, नहीं तो किल हो जाता हमारा खुद का, मर जाता यार। 8 किल हो गए मैंने, 8 किल कर दिए टोटल भाई। तो यार यहाँ से कोई बंदा दिख रहा है क्या मुझे? नहीं, तो मेडिकिट मार दी है मैंने। इसकी लूट ले लेता हूँ जल्दी से,
ग्रेनाइट और वो, और ये भी मिल चुका है हमें। जल्दी से ईपी और एचपी बढ़ जाएगी हमारी, टोटल 5 मिल चुके हैं, तो और उसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली ज़्यादा। तो यार यहाँ से कोई बंदा तो दिख नहीं रहा यार, आ जाओ सिर्फ, किले कर दूंगा भैया। ओ शेट, बैक तो फुल हो चुकी है, थर्ड लेवल की बैक है, तभी भी एमओ तभी भी कम है यार। और ये और एक ये लेता हूँ एचपी और ईपी बढ़ाने के लिए। यहाँ पे बैक हमारी थर्ड लेवल की है, तभी भी हमारे पास कॉइन 19 है, पर क्या लूँ यार, कुछ लेने जैसा है ही नहीं क्योंकि बैक फुल हो चुकी है। और गन्स तो मेरे पास एकदम मेरे फेवरेट गन्स है, फेवरेट गन स्कार भी फेवरेट है और थॉमसन भी। चलो पीक के पास जाते हैं, मतलब पीक के पास, पीक के तरफ कोई बंदा मिल जाएगा तो कर देंगे यार किल। अभी 8 किल हो चुके हैं मेरे और 8 अलाइव है। अबे कुछ नहीं है लेने जैसा, चलो पीक के तरफ। इस तरफ मुझे अभी बंदे की आवाज़ आई थी, इसलिए मैं ऊपर जाकर पीक के पास से यहाँ पे आया हूँ, पर मुझे कोई बंदा तो नहीं दिख रहा है। गन्स की आवाज़ आई थी मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। एचपी और ईपी बढ़ा लेता हूँ इससे। यार कोई दिख तो नहीं रहा, पर आवाज़ तो मुझे सच्ची में आई थी, कोई तो होगा यार यहाँ पे, इस साइड से आई थी, तो मैं वापस आ गया देखने। तो भाई मैं देखता हूँ यार, जल्दी से भागते पैन लेकर, दिख गया तो यार गन निकाल कर मार देंगे यार किल। गाड़ी की आवाज़ और गन की आवाज़ आई थी इसलिए, तो गाड़ी पे थे तो इसलिए जल्दी से भाग गए होंगे। एयर ड्रॉप लूट लेते थे, बंदा नहीं होता तो भी देते। ये पड़ा हेड पे, हेड पे नहीं पड़ रहा यार, ओ भाई भाई गया मैं, ओ शेट बच गया भाई, मुझे लगा मैं तो गया अब, पर सही मैं बच गया, मैं बहुत पास से गई मेरी गाड़ी। तो यार मैं जल्दी से सामने जाकर किल कर देता हूँ यार, उसके पहले वो मुझ पर हमला कर देगा, नहीं तो यार ये डैमेज भी नहीं पड़ रहा। मैं धीरे धीरे जाकर पेड़ के पीछे जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है यार। हाँ टूट गया तो गया। ओ भाई साहब सही में यार मर गया बेचारा, मेडिकेट भी कैसे मार रहा था बंदा, इस तरफ से तो इस तरफ से साइड करके मुंह करके मारना पड़ेगा ना भाई साहब। के पास वुड पिकर है, सही सही गन है, पर मुझे नहीं चाहिए यार, ये मेरे फेवरेट गन है जिसकी मैंने आपको बताया, और ये मुझे बहुत ही पसंद है गन्स। तो यार यहाँ पे अभी मेरी एमओ फिर से कम हो चुकी है दूसरे गन की, मतलब बैग थोड़ी खाली हो चुकी है, अभी एक बंदे को मारा इसलिए। तो ये कॉइन ले लेता हूँ, और ये ग्लाइडर लिया है कि याद नहीं आ रहा, हाँ लिया था। तो यहाँ पे मेडिकिट और वो नहीं ले सकता, बैग तो फुल हो चुकी है, दो ही मेडिकेट है मेरे पास फिलहाल तो। ओ भाई बंदा दिख गया, एयरड्रॉप लूट रहा है रखता, इसको भी किल करना ही पड़ेगा यार। 9 किल हो चुके हैं हमारा टोटल, लगता है आज तो बूया होके ही रहेगा। ये फेंकता हूँ ग्रेनाइट, लगता है पास ही गिरेगा यार, शेट ज़्यादा दूर नहीं गया यार, बंदा बाहर निकला निकला, क्या बॉट बंदे यार, क्या बॉट है, क्या बॉट, मतलब सही में यार बहुत बॉट बंदे मिले हमें। तो यार ये कॉइन तो बहुत सारे हो चुके हैं हमारे पास, कॉइन तो फेंक ही देता हूँ यार, क्या करना, मतलब करेंगे क्या यार इस कॉइन का, उसके जगह पे ईपी और वो लेते थे, और जाने दो यार कॉइन ले लेते हैं बाद में काम आ गए तो। और ये 2x स्कोप ले लेते हैं, जाने दो 2x स्कोप चाहिए मेरे पास, 1x स्कोप ही था सिर्फ इसीलिए। और वैसे भी हमारे पास स्कोप की एक ही गन है स्कार, तो ले लिया यार 2x स्कोप, तो अभी चलते यार। और एक ही बंदा लाइव है,
और हमारे टोटल 10 किल हो चुके हैं। अभी भी मैप बहुत बड़ा है, जल्दी से किल हो गए, मतलब मैप अभी तक बहुत बड़ा है यार। ये इसे चलते यार, ये मशरूम खा लेते, ईपी बढ़ जाएगी हमारी, और बंदे ने मार दिया तो कवर हो जाएगी जल्दी से। और एक मशरूम है, ये भी खा लेता हूँ। इस घर में भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा हमेशा, बंदा कहीं से भी टपक सकता है। और एक ही बंदा लाइफ है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ये हो रहा है। और ये ओपन नहीं अभी तक बॉक्स, तो इसको ओपन करके थोड़ा एमओ, मतलब एमओ बोल रहा हूँ, जो होगा वो ले लेते। ओ भाई एक बंदा दिख गया, भाई लास्ट बंदा, ओ शेट, मतलब एकदम प्रो बंदा मिला यार लास्ट में। मेडिकिट मारनी पड़ेगी भाई, शील्ड अच्छा हुआ शील्ड ने बचा लिया। और ये मैंने ये कर लिया है, जल्दी से ये इसको यूज़ कर लेता हूँ, और पहले मेडिकेट मार लेता हूँ यार। मेडिकेट मारना, ज़िंदा रहना पड़ेगा बाद में यूज़ करने के लिए, मैं तो यूज़ करते बैठूँगा और तब तक मर गया मैं। अरे भैया ये भी ग्लू वॉल तोड़ने लग गया, और एक ग्लू वॉल मार देता हूँ, मतलब ग्लू वॉल लगा देता हूँ। तो इसमें यार कुछ खास तो नहीं है भाई, बहुत डर लग रहा है। अरे यार मैं खुद, अरे यार वो ये भी गूगल टूट जाएगा, अभी और एक मारता था भाई, बहुत ही प्रो बंदा भाई ये तो। लगता है AWM उसकी होगी, AWM होगी उसके पास, इसलिए हेड दे रहा है, मतलब थोड़ी देर पहले बहुत, मतलब यूज़ कर रहा हूँ तभी भी बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा है भाई ये बंदा तो, सच्ची में भाई बहुत प्रो ये है। ये PHP पे बढ़ा देता हूँ मैं, बंदे को मारना पड़ेगा यार, ये लास्ट बंदा है। बुया नहीं किया तो यार फर्स्ट ही वीडियो में पोपट हो जाएगा हमारा। और ये सेफ जोन भी मतलब आने वाला है, सेफ जोन मुझे आगे भी जाना पड़ेगा यार। ओ भाई साहब सच्ची में सेफ जोन तो भाई बहुत पास है। ओ भाई भाग 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 करोनो भाई, भाग करोनो। और ये मेरा पेट है जिसका नाम वांगड़ू है, तू भी भाग भाई। वो दिया डैमेज भाई, कहाँ पे मेडिकेट मार रहा है, तब तक मैं जाके इस पेड़ के पास छुप जाता हूँ, नहीं तो भाई मेरा कुछ सही नहीं है भाई। वो भी आ रहा है पेड़ के पास है, वो भी जा रहा है, भाई मार देता हूँ। अरे यार बहुत सही, मैं भी आगे जाते जाते ग्लू वॉल लगा देता हूँ, मेरे पास अभी 3 ही ग्लू वॉल बचे हैं। मैं क्या करूँगा, मुझे ये फेंकना है, ग्रेनेड फेंक सकता हूँ यहाँ से, पास तो जाने नहीं वाले लगता है 100%। नहीं गए तो ग्लू वॉल लगा के मैं थोड़ा आगे चले जाता हूँ और वहाँ से फेंकूँगा। चलो आप ग्रेनाइट, ओ भाई ये भी तोड़ दिया, तोड़ने लग गया है। और एक ओ शेट, अभी लास्ट ही ग्लू वॉल बचा है मेरे पास, ग्रेनेड फेंक देता हूँ जल्दी से, ये भी फेंक देता हूँ लास्ट, सारे ग्रेनेड ख़त्म। और अभी फ़िलहाल तो मेरे पास सिर्फ एक ही ग्लू वॉल है, उसके बाद बहुत सारे ग्लू वॉल लगता है, तो भाई अभी पीछे रहूँगा तो कुछ फ़ायदा नहीं, आगे जाना ही पड़ेगा। चलो जाने दो, हार गए तो हार गए। ओ भाई शायद शील्ड बन सकते थे, हाँ बच गया, नहीं तो जल्दी से EPHP बढ़ा देता हूँ। और ये इसकी शील्ड तोड़ देता हूँ, ये तो मेरी भी शील्ड, मतलब उसका ग्लू वॉल तोड़ने गया था, मेरी शील्ड ही ख़त्म हो गई भाई। ये मारता हूँ पीछे से, पीछे से हमला कर देता हूँ, जाने तो कुछ नहीं होता। ओ शिट हो गया बुया, ये देख सकते हो आप, हम जीत चुके हैं, जीत गए हम, हमारा बुया हो चुका है। तो हमने टोटल 11 किल किए और 2673 डैमेज दिया। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक टिल देन गुड बाय।